बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले साल की तुलना में जनपद में वायु प्रदूषण कम हुआ है। एडीएम फाइनेंस ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद को वायु प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषित ना हो सके। उन्होंने कहा, इसके लिए नगर निगम को नालियों में छिड़काव, सड़कों के बीच में वृक्ष लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर डीएफओ अविनाश कुमार, आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारी द्वितीय बीके श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन गोरखपुर बाईपास किलोमीटर वाली, ये हम लोगों ने कर ली है। 4 लेनिंग बाइकिंग एन एस 4 लेनिंग ऑफ वाराणसी गोरखपुर सेक्शन ऑफ NH-29 फ्रॉम 148 टू 208.3 किलोमीटर ये चल रहा है। स्मार्ट स्ट्रीट प्रोजेक्ट आप लोग एक दो रोड से आप कंटिन्यू कर रहे हैं और ITMS प्रोजेक्ट तो PWD ये सब प्रोजेक्ट कर रहा है, कुछ कुछ कंप्लीशन करने पर है, इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। फिर जैसे UPPCB का ये था कि CA QMS की 3 स्टेशन बननी थी, जिसमें एक हमारा हो चुका है, 2 और आप December 2021 में लगा लेंगे टारगेट के अनुसार। तीन लगे एक लग चुकी है, दो जो टारगेट दिया है December 2021 दिया है। तो मेरे ख्याल से सभी विभाग मूव कर रहे हैं और आउटपुट आ रही है। ये December 2021 तक हो जाना है, क्योंकि उसका डेंगू को सब हो गया होगा। हाँ हाँ, वो मुख्यालय से जैसे ही अनुमति आएगी होना है, और बल्कि इसी फंड में NCAP प्रोग्राम में आपका, क्योंकि 10 का अगर मॉनिटरिंग हो रहा है तो लंबे 10 के तक 2.5 का भी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई प्लान था आपको मिला करके? अभी तक 12 प्रदूषण सेंटर हमारे यहाँ पे हैं, अभी इनको ही बता देंगे, जिससे रिपोर्ट भी दे देंगे तो इसकी का अच्छा उत्तर मिलेगा। एक बार ट्रांसफिक्शन ऑन यूज ऑफ 2-स्ट्रोक व्हीकल इन फेज मैनर, 2-स्ट्रोक एंड 3-स्ट्रोक ये करना है। आपने इसमें जो भेजा था नहीं होगा सर, 2-स्ट्रोक एंड 4-स्ट्रोक होगा। अच्छा, जो इसमें जो एक्शन पॉइंट है वो है जी, और एज पर MDT ऑर्डर है एंड करेंटली देर इज नो प्रोविजन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ इंजन स्ट्रोक टाइप। जो आडियो चल रहा था कि इंजन स्ट्रोक टाइप पे हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर डीजल और पेट्रोल जब से 15 साल उस पर कर सकते हैं। तो उसमें आपने तो पढ़ा 15 ईयर्स ओल्ड वेंटिलेशन को फायदा होता है। एक्चुअली वो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट से जो आई है, हाँ, तो वो अभी तक क्लियर तक नहीं आता। और भी जो उद्योगी ट्रांसपोर्ट के सामने ये है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर प्रपोजल बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर देगी। हाँ, लेकिन आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव हुआ है इसमें फायदा उठाने के लिए? प्रोसेस में तो क्या कुछ डायरेक्शन अगर आया हो नहीं, तो फिर अगर एक UPPCB की तरफ से चला जाए कि इसमें डायरेक्शन दिया जाए विभागों को, मुझे उचित कार्रवाई करना होगा। एक डायरेक्शन इसको जो है मिनट में डाल दीजिएगा कि ये वाला एक डायरेक्शन आपकी तरफ से निकल जाए। हम लोग भी इसमें ऐसा कर देंगे, क्योंकि बाकी हर जगह हर सिटी में भी ये प्लानिंग चल रहा है, बट वो आपके लेवल पे नहीं होगी। उसका हर 6 महीने में एक बार कैलिब्रेशन देखते हैं। ETC सेंटर जो है, इमिशन टेस्टिंग सेंटर्स, हर 6 महीने में एक बार कैलिब्रेशन, मशीन कैलिब्रेशन ठीक है नहीं है, गलत कुछ तो नहीं दे रही। टोटल कितने आपके PUC सेंटर्स हैं? 12 सेंटर्स।
बारह इसका कुछ बनाया अपने रिपोर्ट पर हमने देखा। हाँ सर, कितने सेंटर और टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल्स कितनी सिटी है? 25। अच्छा, यहाँ पर 27 बसेस लिखा है। हेलो, 27 से लिखा है ये। ये दो बस असल में अलग से परचेज की जानी थी। अच्छा, जो अभी थोड़ा सस्पेंड हो गई। इलेक्ट्रिक बस। हाँ, तो 25 तो खरीदी है। ट्रांसपोर्ट नगर निगम और जैसे बैटरी ऑपरेटेड ई रिक्शा हैज बीन एग्जेप्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ये जैसे आरटीओ की तरफ से ये किया गया किसी का, तो सर फैसिलिटेट हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट हो गया यहाँ पर, तो उनके रजिस्ट्रेशन बैटरी ऑपरेटेड है ही है सर इस समय। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। हम ये रिक्शा में तो जो है इंजन नहीं है सर, बैटरी ऑपरेटेड ही है। और एक प्रचार प्रसार ये बिंदु वाइज जो भी मैं तो अभी पहली बार इसमें इन्वॉल्व हुआ। हाँ, ये अलग से भी इनको भी नहीं करना पड़ेगा, और उस मीटिंग में अगर होगा तो या तो बीसी से लिख देंगे तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे। इन टू मंथ्स में होगा तो मैं सिटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की मीटिंग के साथ ही ज्वाइन कर सकता हूँ। बेटर, बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो तो आप कर भी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्वमेंट कमेटी में बैठे ज़्यादा फोकस था क्योंकि मंथली करेंगे आप तो क्या हो रहा है जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। टू मंथ्स में ना प्रोग्रेस भी आ जाएगा, बजट और जो रेट वगैरह है वो पूरा दिया गया है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लास्ट वीक इनका अप्रूवल दिया है। अच्छा अच्छा, अब अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा बोलते हैं, जबकि जी के लोग आपका परिचय भी उन लोगों से करा देते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो कमेटी है जी, तकरीबन 23 विभाग है और 2 एनजीओ या इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं उसमें जी ए जी है। अगली बार से हम लोग उनको मीटिंग बुला लेंगे, ताकि परिचय भी हो जाएगा और वो गोरखपुर पे उनके पास डेटा भी अच्छा और काम भी बहुत कर रहे हैं। बीस साल पुरानी संस्था है MMTU से वो रिटर। अच्छा अच्छा, आपका भी अनुभव होगा उनसे। अंदाज मांगा ही आराम से सीधी बताई, उनके पास बताई दिया, मैन पावर भी अच्छी है एक्सपीरियंस मैन पावर जो भी आप यूनिवर्सिटी वगैरह में तो बच्चे रख लेते होंगे। और हाँ सर, इसमें अभी आज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी आए थे। गोरखपुर में जो वायु का प्रदूषण है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और पिछले वर्ष की अपेक्षा वो अब काफ़ी कम हो गई है। सभी विभागों की आज बैठक बुलाई गई थी और उसकी एक कार्ययोजना पहले से प्रस्तावित है, उसी कार्ययोजना पर विचार विमर्श हुआ है। और ये पूरी तरह से निश्चित है कि गोरखपुर की हवा पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सर, इसके लिए नगर निगम, GDA और अन्य सभी विभागों के अपने जो दायित्व हैं, जैसे नगर निगम को लगातार छिड़काव करना है, सड़क के दोनों तरफ जो पटरी है उसको पक्की कर देनी है, जो बीच में सेंट्रल वर्ज है उस पर वृक्ष लगा देने हैं, चौराहे पर जो ट्रैफिक है उसको ऐसा स्मूथ कर देना जिससे गाड़ियां अनावश्यक वहां पर खड़ी ना हो, तो वो एक लिखित रूप में एक कार्ययोजना है जिसको इम्प्लीमेंट करना है। सर,